देख रहे हैं इंडिया 360, मैं हूं पद्मजा जोशी। आज सुबह से नए नोट बैंकों में मिल रहे हैं, क्योंकि आज नोटों की अदला बदली का पहला दिन है, इसलिए भीड़ भी ज्यादा है। लोगों को भारी भीड़ ने परेशान जरूर किया, इसके साथ ही नोट बदलने के फॉर्म भरने में भी कुछ लोगों को दिक्कत जरूर आई। हालांकि इन सब के बीच चिंता करने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि ईमानदारी की पाई पाई सबको वापस मिलेगी। बैंक छोटा हो या बड़ा, देश के कमोबेश हर बैंक का नजारा यही था। सैकड़ों लोग बैंक के दरवाजे पर खड़े थे, बैंक के ताले उतरने से पहले ही कतार लग गई। बैंक के दरवाजे खुले और कागज के टुकड़ों में तब्दील हो चुके पुराने नोटों के बदले नए नोटों की बहार आ गई। इस वक्त हम SBI बैंक के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैंक तो जरूर खुल गया है, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैडम, कब से आप यहाँ आए हुए हैं? करीब एक घंटा हो गया सर, और मेरे से भी पहले काफी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई थी पहले से ही। टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल तो कसा ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा समस्या आम आदमी को झेलनी पड़ी। जनता को अपने ही कमाए पैसे लेने के लिए पापड़ बेलने पर मजबूर होना पड़ा। लोग काम धाम छोड़कर बैंकों के आगे खड़े हो गए। पैसा बदलने के लिए लोगों को एक फॉर्म भी भरनी पड़ रही है। इस फॉर्म को भरने में भी लोगों को खासा परेशान होना पड़ा। आप भी देखिए आखिर इस फॉर्म में क्या है। फॉर्म में सबसे पहले ब्रांच और पैसा बदलवाने वाले का नाम लिखना है। इसके बाद पहचान पत्र की जानकारी देनी है, साथ ही उसकी फोटोकॉपी लगानी है। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड या फिर सरकार की तरफ से जारी की गई कोई और पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एक कॉलम में ID प्रूफ का नंबर देना होगा। अगले कॉलम में 500 और 1000 के पुराने नोटों का विवरण लिखना होगा। अंतिम कॉलम में स्थान और तारीख लिखनी होगी। आपके पास घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, और आप इस वक्त इस कंडीशन में हो कि आपकी जेब में पैसे नहीं है। किसी का बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो वो पर्सन क्या करेगा? अगर किसी को नॉन में नहीं है कि एक्सचेंज क्या करे? तो धीरे धीरे करना चाहिए था ना। अब कितनी परेशानी हो रही है कि कल से हमने घर में खाना तक नहीं बनाया है। जाहिर है इस फॉर्म को भरने में लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन एक बार हाथों में नए करारे नोट मिल गए तो लोगों के चेहरे भी खिल गए। नया इसलिए मोड़ने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सीधा रखा हुआ है। अच्छा काम किया है। इधर बैंक नए नोट बांट रहे थे, उधर वित्त मंत्री लोगों को आश्वस्त कर रहे थे कि मेहनत के, ईमानदारी के पैसे कहीं नहीं जाएंगे, सबकी पाई पाई वापस होगी। Indicated yesterday that the banking department and the reserve bank have taken all necessary steps to keep banks open to the extent it is necessary, also open on the weekends. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनता में उनके पैसों की वापसी का भरोसा भरा, तो वित्त सचिव ने ये नई उम्मीद जगाई कि आने वाले दिनों में हर नोट नई हरियाली से लैस होगा। यानी 500 और 2000 के अलावा हजारी, सैकड़ा, पचासा के पैरहन भी बदले जाएंगे। कुल मिलाकर नोटों की पाबंदी के ऐलान से शुरू हुई चिंता की लकीरें नए नोटों को हासिल करने की खुशी में धूमिल पड़ गई है। जल्द ही पैसों की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटने वाली है। आज तक ब्यूरो। एक तो वैसे ही इस देश के अस्पतालों में इंसान हैरान दिखता है, ऊपर से जेब में नोट होते हुए जब इसकी अहमियत ना हो तो बेबसी को बयान करना मुश्किल है। कई अस्पताल 500 और 1000 के पुराने नोट लेने को तैयार ही नहीं है। दवाई की दुकान वालों ने भी उन्हें बेरंग लौटा दिया। जरा सोचिए, जेब में पैसे होने के बावजूद लोग परेशान और हैरान दिखे। शादी में अमूमन इसी तरह का धूम धड़ाका वाला नजारा होता है, लेकिन दिल्ली के रोहिणी में शादी वाले इस घर में सन्नाटा पसरा है। चेहरे में खुशियों की जगह उदासी छाई है। कनाडा से बेटे की शादी के लिए आए NRI जेटली परिवार के लोग परेशान हैं कि अचानक अब नई करेंसी का इंतजाम कहां से हो। शादी 14 नवंबर को है। सो हमारे पास तो वही है, 1500 रुपीज है हमारे पास। सो इसके इसलिए लिए हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, जहाँ भी जाते हैं ले नहीं रहे हमें। बैंक के सामने कतार लगाए लोग किस मजबूरी के मारे हैं, इसका आकलन करना मुश्किल है। जयपुर स्टेट बैंक के बाहर लाइन में लगे बीकानेर के मुन्ना लाल की आप बीती सुनिए। बेटा अस्पताल में दाखिल है और बाप बैंक के सामने नोट बदलने की लाइन में खड़ा है। सर, मैं चेंज करने आया हूँ बैंक में नोट। हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं दे रहे डॉक्टर, और कोई मेडिसिन वाले दवाई नहीं दे रहे हैं फार्मेसी वाले। मुझे करीब 1.5 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। मैं, मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में है, उसके लिए बदलवाने के लिए आया हूँ।
इंदौर में सैकड़ों चेहरे ऐसे मिले जो बेबसी के शिकार हैं। परिवार का कोई ना कोई बीमार है पर इलाज नहीं मिल रहा। वजह, अस्पताल 500 और 1000 के पुराने नोट लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। किसी का बेटा डेंगू का शिकार है तो कोई लंबी दूरी तय कर इलाज कराने पहुंचा है, लेकिन अस्पताल है कि उन्हें 100 की नकदी चाहिए। सर, मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था 1 तारीख को। सर, 1 तारीख से अभी तक भर्ती था, आज ठीक होने के कारण सर छुट्टी हो रही थी। सर, देने के लिए अपन तैयार है पर ये बोल रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट हम नहीं ले पाएंगे और आपको 100 के या कार्ड से करना पड़ेगा। सर, ना मेरे पास, मैं बाहर से आया हूँ सर रामनोज से, ना मेरे पास 100 के नोट है, ना कार्ड है, ना कोई चेक बुक है। पैसे तो है मगर वो पैसे चल नहीं रहा, 500 के 500 को नोट नहीं ले रहे नहीं है। क्या बोलना पड़ रहा हूँ, मेडिकल पे नहीं है, 100-100 के नोट लाओ। अस्पतालों की दलील ये है कि सरकार का फरमान सरकारी अस्पतालों के लिए था, निजी अस्पताल इस आदेश से बाहर हैं। पर दुनिया जानती है कि देश के सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है। इलाज कराने के लिए निजी अस्पतालों के दरवाजे पर जाना मजबूरी है। अब सवाल उठता है कि सरकारी फरमान के दायरे में निजी अस्पतालों को क्यों नहीं लाया गया। इंदौर से राहुल करैया, जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से राजेंद्र स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र सरकार ने भी कह दिया है कि 11 नवंबर तक प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट अस्पताल भी पुराने नोट 500 के और 1000 के ले सकते हैं। 11 नवंबर तक की उनको रियायत दी गई है। अभी खबर आ रही है, भारी छापेमारी हो रही है उन लोगों पर जो कि पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे सरकार के इस ऑपरेशन ब्लैक मनी के जरिए। वो लोगों को कहते थे कि आप पुराने नोट लेकर के आइए, हमें कट दीजिए 100-150-150 रुपए का। और ऐसे सारे ऑपरेटरों पर काले धन की जमाखोरी के चलते अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। चावड़ी बाजार टैंक रोड में छापे अभी पड़ रहे हैं, ये ताजा खबर आ रही है दिल्ली से। मुंबई में भी कलवा देवी इलाके में छापेमारी हो रही है। आपको याद होगा आज तक पे हमने खबर दिखाई थी किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चालू हुआ कुछ ही घंटों के बाद, जब सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था उसे कुछ ही घंटों के बाद लोगों ने देखा कि इसमें पैसा बनाने का मौका था। उन्होंने इस तरह की काले धन की जमाखोरी करनी शुरू कर दी थी। लोगों से कहा था कि पुराने नोट उनके पास ला करके उसके बदले में वो नए नोट ले जा सकते हैं, पर उसमें वो कुछ अपना भी पैसा बना रहे थे। और अब सरकार ने हमारी इस रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। दिल्ली मुंबई में इस वक्त छापे चल रहे हैं। आतिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आतिर, क्या जानकारी है? देखिए, जिस समय से ये पूरी अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से ही जो लोग, जिन्होंने पैसे को काला धन अपना रखा हुआ है जमा करके, उनके पास 500-1000 के नोट हैं, वो उन सबको अब दाएं बाएं करने के फिराक में हैं। और इसकी जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, लगातार इनकम टैक्स विभाग के पास आ रही थी। और साथ ही में ये भी सूचना आई थी कि कुछ लोग नोटों को बेच रहे हैं, यानी कि हाई जो एक्चुअल डिनोमिनेशन है 500 के नोट को 400 रुपए में बेचा जा रहा है। तो इस तरह की जानकारियां लगातार आयकर विभाग के पास आ रही थी, जिसके बाद से उसने पूरी ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें कि दिल्ली के चावड़ी बाजार, टैंक रोड, चांदनी चौक और मुंबई में भी कई जगहों पर पूरे देश व्यापक ये पूरी तरह से एक्सरसाइज है जो इनकम टैक्स आयकर विभाग की चल रही है। क्या देश के और हिस्सों में भी अभी छापेमारी की आशंका है? देखिए, जैसे जैसे सूचना आ रही है, गुप्त सूचना मिल रही है, इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स आयकर विभाग को मिल रही है, वो इस पर एक्ट कर रहा है टीम्स। जी, सारी जानकारी के लिए आतिर आपका शुक्रिया। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर आज देश में चिल्लर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। आज मुलायम सिंह यादव, मायावती और अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके मोदी सरकार पर हमला बोला, 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले पर सवाल उठाए। हमने थोड़ी देर पहले बात की वित्त मंत्री अरुण जेटली से, उन्होंने क्या बोला आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक दल, उनका इसमें निजी स्वार्थ था, और स्वार्थ इसलिए था कि इस देश का एक दुर्भाग्य रहा है, और ये कोई पब्लिक सीक्रेट है कि दुनिया का सबसे बड़ा हम लोकतंत्र हैं, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग का एक तरीका जो था वो हमेशा कभी ट्रांसपेरेंट नहीं था। ये एक ऐसा मूव है, मैं मानता हूं कि अगर लॉजिकल कंक्लूजन तब आप जाएंगे कि जिनके पास पहले जाते थे कि भाई चुनाव में पैसा लीजिए, वो कहेगा भाई नहीं मेरे पास, मैं कहां से दूं। पंजाब यूपी इलेक्शन, और वो कहेगा कि मैं मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं, चेक है मेरे पास, आप चेक से ले जाइए। और चेक से दे, और जब वो चेक से देगा तो उसके लाभ देखिए, देने वाले को टैक्स की छूट मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टी पे टैक्स नहीं लगता, तो दोनों को इसमें लाभ है।
तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक तरह से क्लिंजिंग अप शुरू होगी। एक कदम उठा दीजिए किसी कांग्रेस की सरकार ने आज तक उठाया हो ब्लैक मनी के खिलाफ। तीन बार चिदंबरम साहब वित्त मंत्री रहे, एक कदम उन्होंने ब्लैक मनी के खिलाफ उठाया हो। 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, एक कदम आपको याद नहीं होगा जो काले धन के खिलाफ उठाया। क्या वो कॉलमिस्ट हैं सिर्फ कि मैं कुछ करूंगा नहीं, दूसरे करेंगे तो उससे कॉलम में टिप्पणी लिखूंगा। जो छोटे लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड लिमिट्स में हैं, उनको तो कोई इसमें डर नहीं, ना कोई टैक्सेशन है ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। किसी ने होड़ करके बहुत बड़ी मात्रा में रखा हुआ है तो क्यों ना टैक्स दें। और क्योंकि हमारा स्वभाव ब्लैक मनी का है, क्योंकि हम केवल उसी में खर्चते हैं तो इसलिए चलने दो। अब कई सरकारें आई जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल इसमें के अंदर कर दिया, ये सरकार का ये स्वभाव नहीं है। और हम लोग एक जो स्पेंडिंग हैबिट है लोगों की उसको बदलने का, अब आप शगुन कैश में देते हैं लेकिन ये किसी धर्म या शास्त्र में लिखा है कि कैश में देंगे, आप चेक में भी दे सकते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया 360 खबर अब दिल्ली से, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तगड़ा झटका दिया। हरियाणा से हुए जल समझौते पर पंजाब सरकार के 2004 के विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को उसके हक का पानी देने का आदेश दिया है। अब पंजाब में इस फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। पंजाब कैबिनेट ने फैसले का विरोध करते हुए 16 नवम्बर को विधानसभा की बैठक बुलाई है। पानी की हर बूंद पर पहरा लगाने वाले पंजाब सरकार के डिप्टी सीएम के दावे की सुप्रीम कोर्ट में हवा निकल गई। पानी ना देने का हट और इसके पीछे की दलीलों और पैंतरों पर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी के बंटवारे पर हरियाणा सरकार के हक में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हरियाणा को पहले की तरह ही पानी मिलता रहेगा। पंजाब को बंटवारे के मुद्दे पर समझौते को तोड़ने का हक नहीं, सतलुज यमुना लिंक नहर पर निर्माण कार्य जारी रहेगा। रोड़ा अटका रहा था, वो रोड़ा बिल्कुल साफ हो गया है। अब SYL कनाल बनेगी और हरियाणा को पूरा पानी जो अपने हिस्से उसके हिस्से का पानी है वो पूरा का पूरा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हवाला दिया जिसके आधार पर ये फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि हमने जो भी सवाल पूछे थे सभी के जवाब नेगेटिव है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था क्या पंजाब एक तरफा दो राज्यों के बीच किसी संधि को खत्म कर सकता है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। क्या पंजाब जल संधि तोड़ने वाला 2004 का एक्ट संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है। क्या पंजाब सरकार ने रावी व्यास की संधि को कानूनी तरीके से रद्द किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। यानी हरियाणा की जीत हुई, उसे पहले की तरह ही पानी मिलता रहेगा। इस फैसले ने चुनाव की दहलीज पर खड़े पंजाब का सियासी पारा गर्म कर दिया। फैसले के चंद मिनटों के अंदर ही कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपना इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेज इस्तीफे की सियासत को हवा दे दी। उधर आज तक पर फैसले से पहले ही पंजाब के डिप्टी सीएम इसकी मुखालफत करते सुनते गए, तो हरियाणा इसे हक की जीत बता रहा है। इस पानी के बगैर 10 लाख एकड़ जमीन हमारे साउथ पंजाब की, दक्षिण पंजाब की, सारा मालवा रीजन अब बिल्कुल बंजर हो जाएगा। और हमारे पास आज कोई और चारा नहीं कि हम इस्तीफे दें अपने और लोगों के पास जाएं। हम अपने पंजाबी का फ्यूचर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब किसे हाल का आदेश भी नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए पानी एक बूंद नहीं जाएगी यहाँ से। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और पंजाब का वो जो उन्होंने बिल पारित किया था उसको निरस्त करने के लिए कह दिया है, इससे हरियाणा के लोगों को न्याय मिला है। अब ये तय है रावी और व्यास के साफ पानी में सियासी रंग खुल गया। अब पंजाब विधानसभा चुनाव में पानी की सियासत दिखेगी। दिल्ली से अहमद अजीम, अमरजीत संधु और अशोक सिंघल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। सुखबीर बादल ने पहले ही कह दिया था कि पानी की एक बूंद पंजाब हरियाणा को नहीं देगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कड़ा विरोध हो रहा है इस फैसले का। विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का अब 16 तारीख को, और उसमें भी यही फैसला लिया जाएगा कि पानी किसी भी तरीके से हरियाणा को पंजाब सरकार नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध जताया है पंजाब सरकार ने और बाकी पंजाब की पार्टियों ने। देख रहे हैं
इंडिया 360, एक सिपाही के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र देश के नाम पर शहीद होना है। यूपी के बलिया के रहने वाले जवान हरिंदर की शहादत हमेशा देश को याद रहेगी, लेकिन उस परिवार का क्या जिसका एक झटके में सब कुछ लूट गया। यूपी के बलिया में हरिंदर के शव को अभी अभी घर पहुँचाया गया। तुमको मालूम है क्या हुआ है सीमा पर? पिताजी मेरे शहीद हो गए हैं। कैसे? पाकिस्तान वाले ने मार दिया है। अब तुम क्या करोगे बताओ? बदला लूंगी। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, उसके बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।